अब देख लेते हैं ये प्रत्याशित आय क्या है और पूंजी की कीमत क्या है। प्रत्याशित आय और पूंजी का पूर्व के मूल्य दोनों हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार भी समझ लेते हैं कि ये अलग अलग क्या है। प्रत्याशित आय जो है वह हम जो एक अनुमान लगाते हैं कि हम इतनी लागत लगा रहे हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, वही जो अनुमानित आय है वो उसी को ही हम प्रत्याशित आय बोलते हैं। और ये जो प्रत्याशित आय है उस पूरे जो पूंजीगत पदार्थ है, पूंजीगत जो वस्तुएं हैं उसके पूरे जीवन काल से संबंधित होती है। जीवन काल का मतलब अब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने उत्पादन के लिए एक मशीन खरीद लिया, अब इस मशीन से हमने पहले साल में कितना उत्पादन प्राप्त किया, दूसरे साल में कितना उत्पादन प्राप्त किया, तीसरे साल में, यानी इस तरह हम इसके पूरी लाइफ जब तक मशीन चलेगी, मान लेते हैं मशीन 10 साल चल रही है, तो 10 साल जो हमने 10 साल उत्पादन प्राप्त किया है उन सबको जोड़ लेंगे तो जो हमें उसके पूरे जीवन काल का उत्पादन मिलेगा तो उसी को ही हम प्रत्याशित आय कहते हैं। यानी जो ये हमारी प्रत्याशित आय होती है वो पूरे जीवन मशीन की पूरे जीवन काल की होती है, ठीक है, किसी एक माह एक समय की नहीं होती है। और ये जो पूंजी का पूर्ति मूल्य है जो इसका मतलब यह है कि जितनी हम लागतें लगाते हैं, अभी मैंने बताया था कि जैसे हम एक कुछ भी मान लीजिए उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें मशीन लगानी पड़ेगी, मशीन लगाएंगे, जमीन चाहिए है, पूंजी और कुछ चाहिए है ना, मजदूर चाहिए है, कच्चा माल, बिजली और कुछ ईंधन की भी आवश्यकता पड़ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हमें एकत्रित करनी पड़ेंगी, तो तब कहीं जाके उत्पादन करेंगे। तो उस उत्पादन के लिए जो कुछ भी हमने एकत्रित किया वो उसी उत्पादन के लिए किया, यानी इतनी हमने लागत लगा दी, यही उसकी पूर्ति कीमत, ठीक है, पूर्ति कीमत, यानी हम इस माल इस वस्तु को बनाने के लिए इतनी कीमत लगा दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पूंजी का पूर्ति मूल्य बोलते हैं। अब यही जो है ये प्रत्याशित आय बटे पूंजी का मूल्य बराबर क्या हो गया, MEC, इसको MEC बोलेंगे, MEC वो या मतलब और कुछ नहीं बोलेंगे, अगर MEC बोल दिया तो हो सकता है कोई ना समझे, लेकिन MEC बोलेंगे तो हर कोई समझ जाए, ठीक है। और MEC या फिर कोई जब पढ़ता है तो कोई नहीं कहता है पूंजी सीमांत क्षमता, वो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे अंग्रेजी मीडियम, सभी MEC ही बोलते हैं, सभी MEC ही पढ़ते हैं, हो सकता है पेपर में भी MEC ही लिख करके आए, ठीक है। तो ये हो गया पूंजी की सीमांत क्षमता। अब इसका हम एक चीज और देख लेते हैं कि इसी को जो प्रत्याशित आय है इसको केन्स ने पुनर्स्थापन लागत कहा है। ये पूंजी का जो पूर्ति मूल्य है इस पूर्ति मूल्य को केन्स ने पुनर्स्थापन लागत कहा है। क्या कहा है, पुनर्स्थापन लागत। पुनर्स्थापन लागत का मतलब है कि वो जो हम उत्पादन करने के लिए जो जितना लगा रहे हैं, जो उत्पादन हम करना चाह रहे हैं उस उत्पादन के लिए जितना लगा रहे हैं, तो कुल मिला के वो बात यही हो गई पुनर्स्थापन। केन्स ने अपना अपना एक शब्द बता दिया कि हम इसको ये कहेंगे, इसकी अंग्रेजी है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो ये उन्होंने इसका नाम दिया। फिर अब हम ये एक समीकरण बनाना चाह रहे हैं, उस समीकरण के लिए हमने हम ये देख रहे हैं कि जो साधन की पुनर्स्थापन लागत है उसको केन्स ने क्या कहा है, CR, उसको क्या कहा है, CR, पुनर्स्थापन लागत को CR कहा है। और जो प्रत्याशित आय है वो क्या है, Q है, ये दोनों चीजें पता है, यानी इसको हम CR कह रहे हैं और इसको क्यों, यहाँ भी हमने अभी सूत्र लिखा था कि वो पांती, लेकिन उसकी को केन्स ने
क्या कह दिया? सी आर कह दिया, बाकी क्यू वैसा ही है। और अब इसको हम जो शुद्ध प्रत्याशित आय है, जो हमारी प्रत्याशित आय यानी एनजीसी है, वो क्या हो सकती है? शुद्ध की बात चल रही है, शुद्ध प्रत्याशित आय हमारा क्या हो गया? जो हम जितना हमें मिल रहा है, जितनी आय हमें मिल रही है, यानी कि इतनी आय हमें मिल रही है और इसमें हमने लागत क्या लगा दिया? सी आर लगा दिया, है ना। तो जो अब इसमें से अगर हम जो हमें मिलना मिल रहा है, जितना हम चाह रहे हैं कि मिल जाए, उसमें से जो हमारी लागत है वो घटा देंगे, तो वही हमारा शुद्ध लाभ मिलेगा, वही हमारी एमसी है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्यू माइनस सी आर। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से लिख रहे हैं ताकि हमारा समीकरण के लिए चुनाव मिटाना ना पड़े, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया ना? यस। क्यू माइनस सी आर, अब ये हम समझ गए, एम ई सी बराबर क्यू माइनस सी आर, ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम जो एक इसकी जो प्रत्याशित दर है, किस ये कह रहे हैं, पहले किस की बात समझ ले, किस ये कह रहे हैं कि एक ऐसी दर होती है, एक ऐसी कटौती की दर होती है जो एक उसके पूरे जीवन काल में, जो मशीन है, जो मशीन उत्पादन कर रही है, उसके पूरे जीवन काल में ये जो लाभ की दर है, जो प्रत्याशित दर है, और ये जो लागत है, लागत पूंजी की जो पूरी प्राइस कीमत, जो पूंजी की पूर्ति कीमत, ये दोनों को उसके जीवन काल में कभी न कभी बराबर कर देते। मतलब ये हुआ कि जो भी जितनी हमें उत्पादन मिलता है और जितनी लागत मिलती है, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो एक ऐसी कोई कटौती की दर होती है, उस दर को केन्स ने ई से डिनोट किया, उस कटौती को केन्स ने ई से दिखाया, ठीक है। तो ये जो ई है, ये ई कहता है क्यू माइनस सी आर अपॉन सी आर, क्यू माइनस सी आर अपॉन सी आर, यही हमारा जो ये सूत्र है, प्रत्याशित दर, प्रत्याशित आय बटे जो पी था, पी का मतलब हम उसको पूरा लिख नहीं रहे हैं, पूंजी की जो पूर्ति कीमत वो ये। तो ये प्रत्याशित आय अब हमारी क्या हो गई? क्यू माइनस सी आर, ये हो गया ना। अभी जो नया हमारा बन गया क्यू माइनस सी आर, वो यही तो बन गया ना, जो प्रत्याशित आय बटे पी, ये क्यू माइनस सी आर बटे सी आर, यानी ये जो कटौती की दर है वो कभी ना कभी इन दोनों को बराबर कर देती है उसके पूरे जीवन का। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस समीकरण को, इस समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी Q अपॉन सी आर माइनस सी आर बटे सी आर, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कभी पढ़ा नहीं? पढ़ा ऐसा समीकरण? पढ़ा ही नहीं, मैथ नहीं पढ़ा। कितना क्लास? टेंथ तक, टेंथ तक का जो मैं भी पढ़ा, क्यू आर क्यू अपॉन सी आर माइनस सी आर बटे सी आर, ठीक है। अब हम इसको जाने के कारण हैं करना, अब क्या बचा? क्यू अपॉन सी आर माइनस वन बचा, है ना, एक बटे एक या एक, बात हो गई। तो अब हम क्यू आर क्यू अपॉन सी आर माइनस वन, जो इसको ऐसा अगर हम पक्षांतर कर लें तो ऐसा लिख सकते हैं, E प्लस वन बराबर क्यू अपॉन सी आर, लिख सकते हैं। ये जो वन इधर माइनस था बराबर इधर आया, प्लस हो गया, ठीक, आगे समझ जी। तो ये तो हमारा कितने का हुआ? एक साल, है ना, कितने दिन का हुआ? एक साल। और अगर हम उसी को इसको और भी अगर हम ऐसा लिखना चाहें, सी आर बराबर क्यू अपॉन ई प्लस वन, ये हमारा एक समीकरण हो गया, ये जानते,
इस तरह इसको करते जान, ये समझ में आया कैसे? नहीं आया। सी आर को हमने यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया, पर कोई इसको दोनों को रिप्लेस कर दिया, यानी तिरियक गुणा कर दिया। तिरियक गुणा में इसको यहाँ से करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं, और इसके बटे में एक आ जाए, मतलब यहाँ एक हो जाता तो ये जो है यहाँ आ जाता और ये वहाँ चला जाता, लेकिन हमने दोनों को गुणा ना करके केवल एक को किया। ठीक है, इसको इसको और इसको गुणा कर दिया, यहाँ बच गया एक सी आर, है ना, एक बच गया सी आर। अभी ये तो यहाँ चला गया, इसके साथ सी आर इंटू ई प्लस वन हो गया ये। तो जब यहाँ पे एक ही बचा तो हमने क्या किया, क्यू को यहाँ रख करके सी आर को यहाँ कर दिया, फिर से क्रिया गुणा कर दिया दोबारा। या अगर हमें ध्यान रहे हैं तो पहले ही बार एक ही बार में सारा हो जाता है। तो ये हमारा हो गया सी आर इक्वल टू क्यू अपॉन ई प्लस वन, ये कितने साल का, एक साल का। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमें पूरे जीवन काल का निकालना हो तब हम क्या करेंगे, हम तब हम उसको लिखेंगे सी आर इक्वल टू क्यू अपॉन ई प्लस वन, ई प्लस वन प्लस क्यू, इसको क्यू टू लिख दो, ई प्लस वन होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस क्यू थ्री बटे ई प्लस वन होल क्यू, ऐसे ही हम इसको लिखते चले जाएंगे, जितने साल का निकालना होगा उतने साल निकालते चले जाएंगे। और अगर हम इसको आर के रूप में लिखेंगे सी आर इक्वल टू क्यू अपॉन ई प्लस ई की जगह पे हम आर लिखते हैं, तो हम इसको ई प्लस वन लिखें या वन प्लस ई लिखें, एक ही बात है ना, तो हमने ई की जगह पे आर लिख दिया। और अगर प्रतिशत में दिखाना है तो इसको वन बटे हंड्रेड कर दिया। ठीक, क्यू वन बटे वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड प्लस क्यू टू अपॉन वन प्लस आर बटे हंड्रेड, ये हो गया स्क्वायर, प्लस क्यू थ्री बटे वन प्लस आर बटे हंड्रेड पावर थ्री एंड सो ऑन, और ऐसे ही हम इसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का काम लगभग ये कंप्लीट हो गया। अभी उदाहरण है, उदाहरण का कोई खास महत्व नहीं है, वो सब समझ लेना। ठीक है, तो अब हम जो है अगली क्लास